हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। 21 सितंबर 2021 को गांव प्रतापपुरा के ग्रामीण आए हुए जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए। उन्होंने आवेदन में बताया है कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर देवी जी का मंदिर है, तो वहां पर रास्ता नहीं है। कुछ गांव के लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आने जाने को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो क्या समस्या लेकर आए हैं आप? ये लेके आए साहब के देवी जी के लाने मंदिर के लाने गेल नहीं है। हम लोग जाते हैं, बंगे बिटियाँ जाती हैं, कड़वे रास्ता नहीं है, परेशानी भोग भोग के कहूँ नाहन माहन जल चढ़ा पाऊँ, कोई के मैं कछु जल चढ़ावे जा ही नहीं पाऊँ। दूसरी समस्या जाए साहब के कोई अगर घटना घटती है, कोनो मरता है, तो उसके लाने शमशान घाट नहीं है साहब, वो भी शमशान घाट दूसरे के में जलाऊँ तो उल्टे सीधे बतकाए सुनत, ये साहब बहुत परेशान है। इस वजह से आपके लगा हम जैसे कि और आप बता रहे हैं कि हमारे गांव में नाली भी नहीं है, नाली की हाँ नाली है साहब, नाली भी जब कहकन पर नाली नहीं है तो फिर बाद में जब नाली की बात की चीज है तो नाली भी नहीं है। तो जो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो कब्जा किए हैं लोग, कितने लोग कब्जा किए हैं और कब से किए हैं? वे तो बुला जन्म से कहें कब्जा धीरे धीरे कैद कैद पेड़ा हती तन का, अब से बिल्कुल जाम ही हो गई, सो कर ही नहीं पाऊ, यहाँ से हो गई और वहाँ से हो गई। फिर आप लोग कैसे निकलते हैं? सब ऐसे ऐसे करके कछु ना होने कछु मोहन ऐसे चक्का काट के कछु ऐसे उल्टे सीधे, अब जब देवी जी ने जाने तो जरूरी जाने चाहे कहूँ जावे। कौन कौन से मौसम में ज़्यादा परेशान होते हैं? अब तो बहुत ज़्यादा है, बहुत तो बारह हमेशा बारह हमेशा होता, अब ज़्यादा ठटा है जड़काए में है तो ई बजाऊँ बारी है, ई बजाऊँ साहब ई बजाऊँ लगत जात, ई बजाऊँ लगत जात, बंगे बिटियन के उन्ना पटत जात। कितने लोग आए हुए हैं आप लोग? 60 आदमी आए हैं। कब से मांग करते आ रहे हैं? 2-3 साल पहले से मांग करते आ रहे हैं कि हमारी देवी जी के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। तो अभी तक आपकी क्या सुनवाई हुई है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? हाँ, परेशान के कारण आए हैं भातन के लिए। तो उधर का आदमी जो सरकारी जो रास्ता है ना बनी हुई है नक्शा में, वो रास्ता को आदमन ने गांव के आदमन ने के मतलब जोत ली है और बाड़ी लगा ली है। अब उधर हम रास्ता रोड कहाँ से डालें? अब जिस निकल में शासन द्वारा मतलब कानून को पटवारी द्वारा तहसीलदार द्वारा उसको निकाल दी जाए तो अपन रोड डाल दें। जैसे इनकी मांग है कि हमारे यहाँ पे देवी जी के लिए मंदिर वो रास्ता भी नहीं है और गांव में नाली का निर्माण भी नहीं है और शमशान घाट भी नहीं है, तो इसके लिए आपने आगे क्या प्रयास किया है? नहीं, हमने तो मतलब एस्टीमेट बनवा दो नाली को और मतलब जो है उसके प्रयास में फिर रहे हैं, लेकिन कब बनवाया था एस्टीमेट और कितने का बनवाया था? एस्टीमेट तो अभी तो मतलब 15 लाख को है, 14 लाख किस्म को है। और बताया है कि लोगों ने शमशान घाट भी नहीं है तो इसके लिए? तो शमशान घाट की जगह पे जो शमशान घाट की जगह है ना, तो बाद जमीन पे आदमी ने कब्जा कर लोगों जोते हैं, तो मतलब वो कानून को पटवाई एक बार भी दरखास्त दी थी कलेक्टर साहब ने, तो पटवाई गए थे, प्रियंका यादव हैं थी टीकमगढ़ की, हैं थी हमारे थे तो गई थी, उनने नापो भी है तो हमारे सामने बताई भी थी, पर गाँव वाले मतलब जब तो उन्हें दे दे तब ये पटवाई गए, जब उसके संग गए मतलब कोने को हम ही पटवाई गए थे अकेले, तो अब है जब गाँव वाले ने मतलब उन्हें भाग ही नहीं लौका उन्हें, तो मतलब हम तो थोड़ी लड़े थोड़ी क्या मतलब है, पटवाई गए थे हम गए थे मतलब जगह है होते तो बस जगह निकल जा शासन द्वारा तो अपन ऊपर शमशान घाट बनवा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।